नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। देश की आज़ादी को 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश के हर कोने में जश्न का माहौल है। पूरे देश में इस माह अपने अपने तरीके से अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो वहीं भारत सरकार द्वारा हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया गया। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान भी किया जा रहा है, जिसके लिए SDF योगांतर त्रिपाठी स्वयं रमेश चंद्र गुप्ता पुत्र गंगा साही गुप्ता के घर पहुंचे। आपको बताते चलें कि स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी श्री गंगा साही गुप्ता के घर पहुंचकर उनके बड़े पुत्र रमेश चंद्र गुप्ता को सॉल व पुष्प से सम्मानित किया, जिसके बाद उन्हें उपहार के साथ एक मुख्यमंत्री द्वारा भेजा गया पत्र भी भेंट किया गया। तो वहीं रमेश चंद्र गुप्ता ने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि मेरी मृत्यु के बाद मेरा शरीर यदि किसी शोध के कार्य आ सके तो मेरा सौभाग्य होगा। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा। आपका नाम क्या है? रमेश चंद्र गुप्ता। अभी SDM द्वारा आपके यहाँ एक कार्यक्रम लगा था, क्या कार्यक्रम था ये? ये हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री गंगा साई जी गुप्ता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इसके उपलक्ष्य में उन्होंने हमें सम्मानित किया है। इस सम्मान में क्या क्या भेंट मिले आपको? सम्मान में एक शॉल, एक शायद मिठाई का डिब्बा और एक लिफाफा है श्री मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी द्वारा। आपने अपनी कुछ इच्छाएं जाहिर करी SDM सर को, क्या इच्छाएं हैं? हमारी इच्छा ये है कि हम 72 साल के हो गए, हम अपना कोई भी बलिदान तो देने को तैयार हैं, मगर वहाँ किसी काम नहीं आएगा। तो हम जो अभी चाहते हैं, बच्चों से निवेदन ही कर सकते हैं कि हमारा पूरा शरीर किसी मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया जाए जो गरीबों के या राष्ट्र के काम। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर AK राजपूत। संजय सिंह चिरमिरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ की तरफ से सभी क्षेत्रवासी एवं देशवासियों को रक्षाबंधन व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान के बारा छिपाबडोद उपखंड एवं तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत डोलम के वार्ड नंबर 5 हरनावदी जागीर में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा तहसील अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा कंवर सिहौरिया की अध्यक्षता में गांव में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें गांव की महिला और पुरुषों समेत नौजवान बालक बालिकाओं ने उत्साह से भाग लिया और नारेबाजी कर गांव में प्रमुख मार्गों से होते हुए भगवान श्री लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर प्रांगण में एकत्रित होकर गाँव के गणेश मोहल्ला खलिहानों से होते हुए गांव में बने सिंह जी के मकान से सीधे चंदेल बस्ती में इमली के यहां तक तिरंगा यात्रा में महिला और पुरुषों का भारी लवाजमा रहा। उसके बाद तिरंगा यात्रा भगवान श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर प्रांगण में पहुंची, जहां भाजपा महिला मोर्चा की तहसील अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा कंवर सिहौरिया ने सभी का आभार व्यक्त किया और आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान निकाली गई तिरंगा यात्रा के बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, साथ ही स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आज़ादी अमृतोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाएं। और आज के दिन रक्षाबंधन भाई बहन का प्रेम का त्यौहार है, तो
तो इस पर मेरा एक संदेश है आप लोगों को कि जब भी आप प्रस्थान करें, समय से प्रस्थान करें और अपनी जो स्पीड लिमिट है उसे कंट्रोल रखें, इससे या आकस्मिक जो घटनाएं होती हैं उनसे बचा जा सके। सुरक्षित जाएं, सुरक्षित पहुंचिए, धीरे चलिए, समय पे पहुंचिए। शीला थाकड़ भाजपा महिला मंडल उपाध्यक्ष बारा छिपाकडोत राजस्थान की तरफ से सभी क्षेत्रवासी एवं देशवासियों को रक्षाबंधन एवं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय बिहार कॉलोनी कुशाहा में आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में, जहां आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली पानी सीसी रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन जहां तहसील, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय बिहार कॉलोनी। पहले आए पहले पाए, संपर्क करें 9918781000। देशवासियों को चंद्रिका प्रसाद विश्वकर्मा की तरफ से रक्षाबंधन एवं 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। अंकित गुप्ता की तरफ से सभी क्षेत्रवासी एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना टेंट हाउस की तरफ से सभी क्षेत्रवासी एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राम केवल यादव प्रधान ग्राम पंचायत लैबुडवा विकास खंड तुलसीपुर जनपद बलरामपुर की तरफ से सभी देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री बालाजी इंटरनेशनल स्कूल उत्तराखंड कॉलोनी बिजली घर रोड मेरठ डायरेक्टर सुभाष सिंह की तरफ से सभी क्षेत्रवासी एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। संतोष कुमार गुप्ता अध्यक्ष ग्राम पंचायत अधिकारी संघ विकास खंड हराया सत घरवा जनपद बलरामपुर की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हाड़ौती संभाग प्रदेश और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस मौके पर सभी घर घर तिरंगा लहराएं। आपका राधेश्याम बैरागी जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बूंदी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री भारतीय वैष्णव बैरागी परिषद मुंबई ग्राम लांबा खोह तहसील तालेड़ा जिला बूंदी की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आवाम ए आगरा सामाजिक संस्था के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सैनिकों का सम्मान व खाटू श्याम भजन संध्या का आयोजन गणपति एम रॉयल शास्त्रीपुरम टीवी में हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रिटायर आर्मी ऑफिसर सीपी सिंह, भाजपा वरिष्ठ नेता समाजसेवी सुनील शर्मा और समाजसेवी सुधीर खरबंदा और संस्था अध्यक्ष उमेश शर्मा द्वारा सर्वप्रथम भारत माता के चित्र पर दीप जलाकर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सुनील शर्मा व आवाम ए आगरा के अध्यक्ष उमेश शर्मा व सोमा सिंह द्वारा सैनिकों का सम्मान पटका व मोमेंट देकर किया। उसके बाद आए सभी अतिथियों ने खाटू श्याम भजन संध्या का आनंद लिया। भाजपा गायक रवि सेंटी वर्मा, के रंगीला व मुकेश शर्मा जी के भजनों पर खूब झूमे। देशभक्ति गीतों ने सभी को उत्साह से भर दिया। कार्यक्रम के अंत में सभी को प्रसाद वितरण किया। कार्यक्रम के बाद सभी को संस्था द्वारा राष्ट्रीय ध्वज वितरित किए। कार्यक्रम में आए हुए सैनिकों व भक्तों का समाजसेवी नितेश अग्रवाल ने सभी का धन्यवाद किया। सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, साथ ही स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आज़ादी अमृत महोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाएं। और आज के दिन रक्षाबंधन भाई बहन का प्रेम का एक त्यौहार है, तो इस पर मेरा एक संदेश है आप लोगों को कि जब भी आप प्रस्थान करें,
समय से प्रस्थान करें और अपनी जो स्पीड लिमिट है उसे कंट्रोल रखें, इससे या आकस्मिक जो घटनाएं होती हैं उनसे बचा जा सके। सुरक्षित जाएं, सुरक्षित पहुंचिए, धीरे चलिए, समय पे पहुंचिए। शीला धाकड़ भाजपा महिला मंडल उपाध्यक्ष बारा छिपाबडोत राजस्थान की तरफ से सभी क्षेत्रवासी एवं देशवासियों को रक्षाबंधन एवं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधान अतर सिंह कुंडरी सारंगपुर विकास खंड राज्यपुर फरुखाबाद की तरफ से सभी क्षेत्रवासी एवं देशवासियों को रक्षाबंधन एवं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियाँ, वीआईपी वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र बजरंग नगर हनुमान मंदिर के पीछे जलेसर रोड फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। अरविंद चौधरी श्याम प्रॉपर्टी एंड कंट्रैक्शन शास्त्रीपुरम आगरा की तरफ से सभी क्षेत्रवासी एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आकाश पाठक वरिष्ठ छपानेता आवास विकास कॉलोनी आगरा की तरफ से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। संस्कार भारती हमारी संस्कृति व संस्कार को बचाने के लिए बेहतर प्रयास कर रही है, इससे छोटे बच्चों को अपने संस्कार को लेकर जानकारी मिलती है। यह बातें विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने विजयनगर स्थित विजय क्लब में संस्कार भारती मध्य क्षेत्र की ओर से आयोजित कृष्ण रूप सज्जा प्रतियोगिता को संबोधित करते हुए कही। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, प्रांतीय संरक्षक आलोक आर्य और अध्यक्ष दीपक गोयल ने श्री कृष्ण के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। तीन वर्गों में आयोजित हुई श्री कृष्ण रूप सज्जा प्रतियोगिता में नवजात से 7 वर्ष तक के बच्चों ने भाग लिया। इस दौरान बॉलीवुड के बाल कलाकार गौरांश शर्मा का जोरदार अभिनंदन संस्कार भारती के पदाधिकारियों ने किया। संरक्षक राज बहादुर राज ने कहा कि संस्कार भारती ने जिस प्रकार बॉलीवुड के बाल कलाकार गौरांश शर्मा का अभिनंदन कर उत्साह बढ़ाया है, इससे अन्य बच्चों के अंदर भी नई ऊर्जा का संचार होगा। इस कृष्ण रूप सज्जा प्रतियोगिता में सभी बच्चे कृष्ण के मनमोहन स्वरूप में पहुंचे। अमरतार गुप्ता, विजयनगर कॉलोनी से, जैसे पर्यावरण मंत्री, पर्यावरण के लिए कार्य करती हूँ। आज जो संस्कार भारती की तरफ से प्रोग्राम रखा गया है कृष्ण रूप सज्जा का, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अपने धार्मिक प्रोग्राम जो होते हैं तो बच्चों को एक अच्छी खुशी मिलती है और बच्चे हमारे धार्मिक क्षेत्र के बारे में उन्हें सारी जानकारी भी मिलती है। तो ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है उससे मुझे बहुत ही खुशी मिल रही है कि हमारे संस्कार भारती की तरफ से बच्चों के अंदर जो संस्कार आएंगे भगवान के लिए, हमारे भगवान की हमारी पुरानी जो कथाएं उनको पता होनी चाहिए, इसके लिए मैं कहना चाहूँगी संस्कार भारती का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना अच्छा प्रोग्राम बच्चों के लिए। यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में संस्कार भारती मध्य क्षेत्र द्वारा सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से सभी बच्चों के अंदर ये भावना विकसित करना, अपने धर्म के प्रति जागरूकता एवं हमारे धर्म में क्या क्या संस्कार और क्या क्या भगवान कृष्ण का एक जो भी स्वरूप जो उनको था और वो सब उनके माध्यम से कार्यक्रम उनके द्वारा प्रचार द्वारा उत्पन्न करना है। और जहाँ पर 3 वर्गों में ये प्रतियोगिता की जा रही है, 0 से 1 वर्ष, 1 से 3 वर्ष और 3 से 8 वर्ष, करीब 100 प्रतियोगियों ने यहाँ पर की बात किया है, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सभी प्रतियोगियों को सांत्वना पुरस्कार दिया है। दीपक धामरोड़िया टांची की ओर से सभी क्षेत्रवासी एवं जनपद वासियों को रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दिलीप मंडवाल टांची की ओर से सभी देशवासियों को रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी लखीमपुर खीरी बीरपाल की तरफ से स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।
चौकी प्रभारी शारदा नगर साहब लाल की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की एवं रक्षा बंधन की सभी क्षेत्रवासियों को एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। अरविंद चौधरी श्याम प्रॉपर्टी एंड कंट्रैक्शन शास्त्री पुरम आगरा की तरफ से सभी क्षेत्रवासी एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आकाश पाठक वरिष्ठ छपानेता आवास विकास कॉलोनी आगरा की तरफ से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान के बारा छिपाप डौद उपखंड एवं तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत भाबपुरा से लेकर सारथल होते हुए ग्राम पंचायत कलमोदिया तक तीन पंचायतों में एक साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव एवं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छबड़ा छिपाप डौद विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक करण सिंह राठौर ने यात्रा कर कलमोदिया में तिरंगा यात्रा का समापन कर तिरंगा फहराया। साथ ही स्वतंत्रता दिवस समारोह एवं तिरंगा यात्रा में शामिल हुए सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परमानंद मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी छिपाप डौद ने भावपुरा सारथल कलमोदिया ग्राम पंचायत में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अंतर्गत कांग्रेस द्वारा देश भर में निकाली जा रही आज़ादी की गौरव यात्रा छबड़ा छिपाप डौद के विधानसभा क्षेत्र के भावपुरा से विशाल तिरंगा यात्रा पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़ गौरव पद यात्रा प्रभारी लोकेंद्र सिंह सरपंच एवं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष परमानंद मीणा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता की संख्या हाथ में तिरंगा लिए कांग्रेस कार्यकर्ता हर आमजन के साथ यात्रा शुरू की। पूर्व विधायक ने कहा कि आज़ादी के 75 साल में कांग्रेस पार्टी हर उस क्रांतिकारी की गौरव गाथा को याद करते हुए देश प्रदेश में निवास करने वाले देशवासियों के हृदय में तिरंगे का सम्मान को लेकर राष्ट्रभक्ति का भाव जागृत करने के लिए आज़ादी की गौरव यात्रा निकाल रही है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। दीपक धामरोड़िया टांची की ओर से सभी क्षेत्रवासी एवं जनपद वासियों को रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दिलीप मंडवाल टांची की ओर से सभी देशवासियों को रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अरविंद चौधरी श्याम प्रॉपर्टी एंड कंट्रैक्शन शास्त्री पुरम आगरा की तरफ से सभी क्षेत्रवासी एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आकाश पाठक वरिष्ठ छपानेता आवास विकास कॉलोनी आगरा की तरफ से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निजामुद्दीन प्रधान ग्राम पचोरा विकास खंड श्री दत्तगंज जनपद बलरामपुर की तरफ से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जगदम्बा द्विवेदी प्रधान ग्राम किठौरा विकास खंड श्री दत्तगंज जनपद बलरामपुर की तरफ से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
मोहम्मद रिजवान प्रधान प्रतिनिधि ग्राम धमौली विकास खंड श्री दत्तगंज जनपद बलरामपुर की तरफ से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रामपाल सेन प्रधान प्रतिनिधि ग्राम गालिबपुर ब्लॉक श्री दत्तगंज जनपद बलरामपुर की तरफ से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। माजिद खान बडोरा अटरू की ओर से देश एवं प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अफसाना बेगम प्रधान मोहम्मद आजम प्रतिनिधि गांव चिरोला ब्लॉक गंज डुडवारा जिला कासगंज की तरफ से समस्त क्षेत्रवासी एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हाड़ौती संभाग प्रदेश और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हीरालाल नागर भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक शांगोद जिला कोटा राजस्थान। नरेंद्र प्रताप सिंह की ओर से 75वां स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मनोज कुमार मसीहा राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ड्रैव सुनील के मेसी की तरफ से समस्त क्षेत्रवासी एवं जनपदवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अन्नाद सैमसन नवाब गंज बरेली की तरफ से समस्त क्षेत्रवासी एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय बिहार कॉलोनी कुशाहा में आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में, जहां आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली पानी सीसी रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन जहां तहसील, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय बिहार कॉलोनी। पहले आए पहले पाए, संपर्क करें 9918781000। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियाँ, वीआईपी वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र बजरंग नगर हनुमान मंदिर के पीछे जलेसर रोड फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का। पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर एके राजपूत। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी